हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर देखेंगे रीजनिंग का, एक डाइस जिसे बोलते हैं पासा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, लेकिन है बहुत ही इजी। तो पासा से, डाइस से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड डाइस में, एक किस पे होता है? स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर। दूसरा होता है जनरल डाइस, और तीसरा होता है ओपन डाइस के ऊपर। ओके, इन तीन टॉपिक पे ही क्वेश्चंस आते हैं डाइस के। अगर मैं बात करूं पहले स्टैंडर्ड डाइस की, तो स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स मतलब एक के पीछे एक वाला। ओके, जो भी मतलब यहाँ पे अगर टॉप पे कुछ है तो इसके नीचे वाला जो साइड है, बॉटम वाला, वो ऑपोजिट हुआ। अगर ये फ्रंट है तो उसके बैक वाला ऑपोजिट हुआ। ये एक साइड का है तो इसके साइड वाला क्या होगा? ऑपोजिट होगा उसके। ठीक है, क्लियर है? तो उसके ऑपोजिट साइड का जो सम होता है वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ टू ऑपोजिट साइड is 7, then it is called as standard dice. क्या क्या हो सकता है? हमारे पास numbers कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिर्फ 6 numbers होते हैं हमारे पास dice में। तो अगर हम 1 और 6 को plus करें तभी 7 मिलेगा, 2 और 5 को plus करें तभी 7 मिलेगा, और 3 और 4 को plus करेंगे तभी 7 मिलेगा। तो हमको क्या पता चल रहा है कि 1 और 6 आपस में एक दूसरे के opposite हैं। 1 का opposite 6 है, 6 का opposite 1 है। 2 और 5 में भी वही रिलेशन हुआ, और 3 और 4 में भी वही रिलेशन हुआ। तो ये क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड डाइस का फॉर्मेट हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस में ऐसे ही होता है। ओके, जनरल डाइस में ये होता है कि हमारे पास जो दो साइड्स होते हैं उनका जो सम होता है, कोई भी दो साइड का अगर सम इक्वल्स टू 7 है, कोई भी दो साइड पकड़ लो, ये तो 6 हो गया, ये तो 11 हो गया, ये लेकिन 7 हो गया, जो सामने तीन साइड्स दिख रहे हैं उनमें से किसी भी दो साइड का सम अगर 7 है तो वो जनरल डाइस में काउंट होता है। या फिर क्या होता है, या फिर ऐसा डाइस जिसमें नंबर्स लिखे हो या वैल्यूज लिखे हो, एबीसी काइंड ऑफ, या फिर कुछ ऐसा लिखा हो लाइक कुछ साइंस बने हो, एब्स्ट्रैक्ट, प्लस, इक्वल टू, कुछ भी सिंबल्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आता है? हमारे में जनरल डाइस में आते हैं। क्लियर? डाइस में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो केसेस बोल सकते हैं हम उसे। तो फर्स्ट केस क्या होता है? पहला वाला केस अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, दो डाइस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो 4, 3, 5 ले लिया एक में, एक में ले लिया 1, 2। ओके, ये ले लेते हैं 1, 2, 3 ले लिया। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमको पहले ये चेक करना है कि इन दोनों डाइस में कॉमन कौन सा है। क्या चेक करेंगे? कि कॉमन क्या है? यहाँ पे 4 है क्या? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ 3 है क्या? यस, तो 3 इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने 3 लिख दिया पहले वाले डाइस के लिए, और उसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 के बाद अगर मैं रोटेशन में आऊं तो कितना आया? 4 आया। फिर उसके बाद, फिर 4 के बाद रोटेशन में आई तो मैं कितना मिला? मेरे को 5 मिला, 3, 4, 5 मिल गया मेरे को ऐसे में। क्लियर है? तो चलो ये ऐसे लिखते हैं फर्स्ट डाइस के लिए। अब सेकेंड डाइस को भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ओके, तो 3 है। अब 3 के ऑपोजिट में हम इसके नीचे ऑपोजिट लिखने वाले हैं, ये समझ लो। ठीक है, 3 के ऑपोजिट में 3 तो आ नहीं सकता। क्लियर है? अगर किसी डाइस में 3 है तो उसके ऑपोजिट साइड में भी 3 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 एक डाइस में सिर्फ एक ही बार आता है ना? तो 3 नहीं आ सकता। तो हम 3 की जगह पर डैश छोड़ देते हैं और आगे उसको रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2। और फिर अब 2 से रोटेट किया तो कितना आ गया यहाँ पे? 1। अब बच का गया 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। बचा क्या है हमारे पास? बचा क्या है? 6 बचा है। तो आपको ऐसे दो डाइस दे दिया जाता है और फिर बोलता है कि 4 का अपोजिट बताओ, 4 का वाला अपोजिट क्या होगा। तो हम इसको ऐसे ही रोटेट करके देखते हैं और 4 के ऑपोजिट में हम क्या लिखेंगे, फिर आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 होगा। क्लियर है? अगर आपसे बोलता 3 का ऑपोजिट क्या है तो 6, 6 का ऑपोजिट क्या है तो 3, 2 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 5 एंड 5 का ऑपोजिट 1। क्लियर है? फर्स्ट केस में ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्लियर हुआ है या नहीं। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें?
कॉमन देखना पड़ता है कि कॉमन निकालना पड़ता है. ओके तो अगर एक कॉमन है तो हम यही यूज करेंगे. ओके उस अदर वाले के लिए हमारे पास दूसरा केस है. तो ये फर्स्ट केस में हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है हमको, दोनों डाइज में हमें मिल रहा है सिक्स इज अ कॉमन. ठीक है तो हम सिक्स से स्टार्ट करेंगे. अब सिक्स कॉमन है तो सिक्स से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं यहाँ तक. वैसे इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है हमें, लेकिन कैसे लिखना है वो देखते हैं. सिक्स लिख लिया, सिक्स के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, फिर फोर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है. अब इन द सेम मैनर सेकेंड डाइस को भी लेते हैं. सेकेंड डाइस में भी सिक्स आ रहा है, सिक्स से ही स्टार्ट करना है. अब सिक्स के ऑपोजिट में सिक्स तो आ नहीं सकता, क्लियर है, सिक्स के ऑपोजिट में सिक्स आ नहीं सकता, इसलिए हम इसको डैश रखते हैं और उसके बाद वाली चीजों को हम लिखते हैं. तो फोर के ऑपोजिट क्या आ रहा है आएगा, फिर ये क्लॉकवाइज सिक्स के बाद घूम रहा है, तो पहले सिक्स से वन गया, फिर वन से थ्री आएगा, क्लियर. तो वन एंड अगेन देन थ्री, तो ये हो गया. अब अगर मैं देखूं तो हमारे डाइस में क्या क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ओके तो हमारे पास वन आ गया, थ्री आ गया, फोर फाइव सिक्स आ गया, बच क्या गया हमारे पास टू. जो बच गया वो इधर के लिए आंसर रहेगा. ओके उस वो आंसर कहां पे रहेगा, वो आंसर होगा सिक्स का ऑपोजिट. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्स का ऑपोजिट क्या है, तो टू, टू का ऑपोजिट सिक्स, फोर और वन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड फाइव एंड थ्री एक दूसरे के ऑपोजिट है. मेरे ख्याल से केस वन तो क्लियर है अभी सबको. अब हम इसका सेकेंड केस देखते हैं जनरल डाइस का. तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लू टू वन थ्री और ले लू वन थ्री फाइव. अगर हम फर्स्ट केस के हिसाब से देखें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमारे पास पहला स्टेप था कि हमें कॉमन ढूंढना होता था. ठीक है तो वन, वन तो कॉमन है, टू कॉमन नहीं है, थ्री भी कॉमन है. अब हमें दो दो कॉमन नंबर्स मिल गए, हमें तो एक नंबर से ही कॉमन लेके निकालना होता था, राइट. तो अब हमको मिल गए दो दो कॉमन नंबर्स, तो यहाँ पे अब हम कैसे करें. तो इसके लिए हमारे पास होता है सेकेंड केस. ओके इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है. अगर आपको ऐसा कुछ भी मिल गया कि दो नंबर्स कॉमन है, तो जो बचे हुए हैं ना वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. ओके सपोज ये वन और थ्री कॉमन है, जैसे यहाँ पे सपोज क्या है ही. ओके तो वन और थ्री कॉमन है, तो टू जो है वो ऑपोजिट ऑफ फाइव है, एंड फाइव जो है वो ऑपोजिट ऑफ टू है. अगर उसमें पूछे कभी, ऐसे तो कभी पूछेगा नहीं, वन और थ्री का ऑपोजिट क्या होगा, तो हो सकता है कि वन का बचा क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से टू का ऑपोजिट तो हो गया है फाइव, बचे क्या है ये चार. तो वन और थ्री का मैं पूछ रही हूँ तो क्या हो सकता है, फोर हो सकता है या तो फिर सिक्स का हो सकता है. हो सकता है वन का अपोजिट फोर हो या फिर सिक्स हो, या हो सकता है थ्री का अपोजिट फोर हो या फिर सिक्स हो, क्लियर है. तो ऐसे में ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे डाइस देके कि टू का अपोजिट क्या है, तो हमें पता चल जाएगा फाइव है, और फाइव का अपोजिट क्या है तो हमें पता चल जाएगा टू है, क्लियर है. तो हमें क्या पता चला इससे कि अगर कोई दो कॉमन नंबर्स आ गए, अगर हमारे पास कोई दो कॉमन नंबर्स आ गए हैं, तो वो दोनों कॉमन नंबर्स को छोड़ के जो भी दोनों डाइस में सिंगल सिंगल नंबर्स बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. सिर्फ यही है सेकंड केस में. हमने अभी तक देख लिया स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस. अब आते हैं हम किस में, ओपन डाइस में. ओपन डाइस वो होता है कि हम किसी भी क्यूब को, किसी भी डाइस को अगर हम अनफोल्ड कर दें, हम उसे खोल लेते हैं अगर, तो फिर उसे वो इस फॉर्म में दिखता है. ओके तो अगर मैं इसमें नंबरिंग कर लू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अगर मैं ये देखूं कि कौन सा किसके साइड में आएगा, किसके ऑपोजिट आएगा. ओके तो अगर मैं इसे, चलो इसे मैं पैक करना स्टार्ट करती हूँ, तो ये इस तरफ पैक होगा, क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे स्टैंड करेगा, ये इस तरफ पैक होगा. ओके तो ये यहाँ पे स्टैंड करेगा. तो फाइव के ऑपोजिट क्या आ गया, सिक्स आ गया, सिक्स के ऑपोजिट फाइव आ गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे. अब ये वन, वन को मैं इधर रख दूं, वन इधर फोल्ड हो जाएगा, इस तरफ फोल्ड हो जाएगा, टू तो बॉटम में है, वन इस तरफ फोल्ड हो गया. ओके तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये वाला फोल्ड पहले स्टैंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टैंड होगा वो थ्री के सामने. तो वन का ऑपोजिट क्या होगा, थ्री होगा. वैसे ही फिर टू का ऑपोजिट क्या आएगा, फोर, क्योंकि टू के टॉप पे क्या आ जाएगा, फोर, ये पैक करने के लिए टू के टॉप पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा. ओके तो हमें इस के अकॉर्डिंगली क्या मिल गया, फाइव का ऑपोजिट सिक्स मिल गया, वन का ऑपोजिट थ्री मिल गया, एंड टू का ऑपोजिट फोर मिल गया. आपस में ये एक दूसरे के ऑपोजिट है,
क्लियर है। तो अगर ऐसा कुछ दे देता और फिर आपसे पूछता कि कौन किसका ऑपोजिट है, तो आप बता सकते थे कि 5, 6 का ऑपोजिट है, ऐसा करके। क्लियर है। अब कुछ फॉर्म्स देखते हैं जो कि ये ओपन डाइस के ऊपर पूछे जाते हैं मेनली। चलिए ओपन डाइस के कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। ये वही फॉर्म है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था। हमें कुछ नहीं, बस क्या करना है, हमें एक एक छोड़ के एक एक लेना है। ओके, फर्स्ट वाले के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं देखूं, तो फर्स्ट का ऑपोजिट, वन का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। हमने 3 को छोड़ दिया है और फिर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ओके, वैसे ही अगर मैं 3 के लिए देखूं, 3 के लिए देखूं, तो 5 को छोड़ देंगे हम और क्या लेंगे, 6 लेंगे। 3 के लिए हम क्या ले लिए, हमने ले लिया 3 के लिए 6। ओके, बच क्या गया, बच गया 2, और 2 बच गया तो 2 के लिए क्या बच जाएगा हमारे पास, 4। तो ये फर्स्ट वाले के लिए तो हो ही गया। अब अगर मैं सेकेंड वाला देखूं, तो सेम मैनर हम वही करें, एक एक छोड़ के लेते जाएं, तो मैं 2 के लिए क्या मिल गया, मेरे को 4 मिल गया, दोनों ऑपोजिट है। वैसे ही 3 के लिए मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 के लिए भी मेरे को 5 मिल जाएगा। यहाँ 3 के लिए मेरे को क्या मिल गया, 5। बच क्या गया, 1, 1 बच गया, तो 1 के लिए मेरे को क्या मिल रहा है, 6। क्लियर। फिर थर्ड फॉर्म वैसा ही है, 1 के लिए देखूंगी तो 3 छूटेगा, 3 छोड़ के 4, ये 1 से 4 आ गए और 3 से 5 आ गए, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट हो गया 5। वैसे ही 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 6। ये भी वैसा ही है, बट थोड़ा सा इसको कंफ्यूज टाइप में देता है। ओके, तो ये क्या हो गया, 1, 1 से ही स्टार्ट करो, 1 लिख दिया, उसका ऑपोजिट मैंने क्या बताया, 1 छोड़ के, तो 2 छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब वैसे ही 4 ले लेंगे हम, 4 ले लिए हम, ठीक है, 4 ले लिए, तो 5 छोड़ के हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बच क्या गया, 2 के लिए बच गया हमारे पास क्या, 5। तो ये दोनों, ये सब आपस में ऑपोजिट है। अब ये फिफ्थ फॉर्म में क्या हो रहा है, फिफ्थ फॉर्म में देख लें अगर हम, तो हमको हम अगर इसको यहाँ पे स्टैंड कर दें, यहाँ पे स्टैंड कर दें, तो 1 का ऑपोजिट हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ये पूछेगा किसका, 3 का ऑपोजिट क्या है, अगर इस टाइप की कुछ चीजें दी हुई है तो, ठीक है। 1 का ऑपोजिट 5 मिल जाएगा, 2 का ऑपोजिट 4 मिल जाएगा, वही रूल, एक एक छोड़ के, 1 लिखा तो 3 छोड़ दिया, 5 लिख लिया, 2 लिखा तो 3 छोड़ दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब 3 का ऑपोजिट हमको क्या मिलेगा, ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, राइट, ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला बॉक्स इसमें आ रहा है, क्लियर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू। अब ये वाला बॉक्स जो है वो इधर आ रहा है, ये आ गया प्लस, फिर ये वाला बॉक्स जो है वो इधर आ रहा है जो कि माइनस, और ये वाला बॉक्स जो है वो इधर आ रहा है जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर है। तो 3 का जो ऑपोजिट साइड है वो ये होगा। इन द सेम मैनर इसे भी मैंने फॉर्म 5 इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, बस टॉप मैंने चेंज कर दिया है। तो 1 का ऑपोजिट हो गया 5, 2 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4। अब 3 का ऑपोजिट मुझे जानना है, तो अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, अब अगर मैं चारों ट्रायंगल्स को जोड़ दूं तो मेरे को कुछ इस टाइप का फिगर मिलता है, ठीक है। तो चलो मैं पहले फोर्थ वाला ट्रायंगल लिखती हूँ, तो फोर्थ वाला ट्रायंगल इस तरफ से आया इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू, फिर इधर क्या है प्लस, फिर इधर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो हमने ओपन डाइस के ऑलमोस्ट सारे फॉर्म कर चुके हैं। ओके, चलिए अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं ओपन डाइस के ऊपर ही। तो हमने तो ये सीख लिया कि हम इसके ऑपोजिट्स कैसे लिख सकते हैं, अगर इसमें पूछ लेता कि 2 का ऑपोजिट क्या है तो हम लिख पाते, लेकिन ओपन डाइस में क्वेश्चंस वो डाइस ही ऑप्शन में देता है, ऑप्शंस में वो क्या देता है, डाइस, और हमें पता करना होता है कि डाइस में से कौन सा उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। तो हमें पता है कि 2 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, वैसे ही 1 का ऑपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 5 का ऑपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमको पता है कि क्यूब में कभी भी अगर 3 उस, अगर 3 लिखा है फेस पे, तो उसके नीचे में अगर फ्रंट में ये है तो बैक साइड में क्या होगा, 5 होगा। मतलब अगर हम, हमारे पास ये 3 फेस दिखते हैं हमें, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, अगर ये 3 फेस हमको दिखते हैं तो इन तीनों में से कोई सा भी किसी का भी ऑपोजिट नहीं हो सकता, क्लियर है। मतलब अगर मैं यहाँ इसके अकॉर्डिंगली देखूं, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो वो डाइस करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 लिखा है यहाँ पे अगर 2 लिखा है इस साइड में, तो ये तो इसके इस साइड में होना चाहिए ना, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट इस तरफ होना चाहिए, राइट।
तो वो मायने ही नहीं रखेगा। इसीलिए अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे कैसे। तो जो भी इस पे लिखा हुआ है, जो भी ऑपोजिट है, वो सेम डाइस के में आ ही नहीं सकते। ओके, तो अब देखते हैं सिक्स, सिक्स का ऑपोजिट क्या है, वन। सिक्स और वन साथ में है तो ये डाइस तो फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि सिक्स और वन जब आपस में ऑपोजिट है तो सामने से वो दिख ही नहीं सकता हमको, क्लियर है। अब इसमें क्या है, वन वन के साथ सिक्स नहीं दिया है, लेकिन थ्री थ्री फाइव का ऑपोजिट है, साथ में नहीं देना चाहिए था। ओके, अब क्या है, टू फोर, टू और फोर ये दोनों भी आपस में ऑपोजिट है, एक ही डाइस में ये दिख नहीं सकते क्योंकि ये थ्री डी है। ओके, तो अगर फोर यहाँ लिखा है तो टू यहाँ लिखना चाहिए, अगर टू यहाँ लिखा है तो फोर बॉटम में लिखना चाहिए था, जो कि दिखता ही नहीं हमें। बच क्या गया, ऑप्शन डी बच गया। चेक भी कर लेते हैं, वन वन का ऑपोजिट सिक्स, सिक्स नहीं दिख रहा है, गुड। थ्री का ऑपोजिट फाइव नहीं दिख रहा है, टू का ऑपोजिट फोर, टू नहीं दिख रहा है, तो दिस इज योर ऑप्शन। ओके, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओपन डाइस का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। ओके, तो हमने बताया था कि एक छोड़ के एक लेना है वो ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे F का ऑपोजिट क्या मिल गया हमको, F का ऑपोजिट मिल गया हमें B। ओके, वैसे ही E का ऑपोजिट हमको क्या मिल जाएगा, E का ऑपोजिट हमें मिल जाएगा C, और बचा क्या है A, A का ऑपोजिट क्या मिल गया हमको, D मिल गया, क्लियर है। तो अब ये हो गया हमारे पास ऑपोजिट्स, और हमें ये पता है कि डाइस में कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट वाले तो कभी नहीं आने चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या है भाई, अब आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला, इसमें ऑप्शंस क्या दिया, ओनली ए, ए ही अगर करेक्ट है तो ऐसे टाइप के ऑप्शंस ही है। ओके, मतलब मल्टीपल भी हो सकता है ऐसे में। ओके, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाले में, बी ई और एफ, बी ई और एफ। तो देखो बी और एफ जो है, बी और एफ है आपस में ऑपोजिट है, तो मतलब ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें जिसमें ए है, तो ये भी नहीं आएगा, ए वाला ये ए एंड सी है ये भी नहीं आएगा, इसमें ए है ये भी नहीं आएगा, बच क्या गया, ओनली बी इज द आंसर। ये आंसर है, हमें पता तो चल गया है, लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ई है, ई के साथ क्या है सी ना, तो चलो ठीक है। डी है, डी के साथ क्या है, डी के साथ है कुछ नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। एफ के साथ है बी, बी नहीं है, तो ये दिस इज द करेक्ट, ये हो सकता है डाइस हमारा, चेक कर लिया हमने इसे भी। तो ये क्या है, ई और सी साथ में आ गए। ओके, तो एक साथ तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ई क्या है, ऑपोजिट ऑफ सी है, तो ये तो रॉन्ग हो गया है, ये ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। ओके, अब अगर मैं ऑप्शन नंबर डी देखूं तो क्या है, ए, ए और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेम फेज में दिखना अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली इज करेक्ट, बी ओनली। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन डाइस। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, अ डाइस थ्रोन फोर टाइम्स एंड इट्स फोर डिफरेंट पोजीशंस आर गिवन बिलो। चार बार हमने एक डाइस को थ्रो किया और हमें ये चार पोजीशंस मिले हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस टू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू के ऑपोजिट में क्या है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, पहले कोई दो डाइस ले लेते हैं, सपोज मैं ये थ्री और फोर ले ली, ठीक है। अब पहले कोई से भी दो डाइस को हमें सेलेक्ट करना है। ओके, मैं ये थ्री फोर ले ली, अब मैं ये थ्री फोर लेती हूँ तो इसमें कॉमन क्या है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, फोर फाइव थ्री फोर, फोर कॉमन है, राइट, फोर कॉमन है, तो फोर कॉमन के बाद मेरे को कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, तो फोर फाइव थ्री, अगेन यहाँ से भी क्लॉकवाइज जाना है, तो फोर में डैश रख दो, टू सिक्स, तो टू का ऑपोजिट यहाँ से मेरे को कितना मिल गया, फाइव मिल गया यहाँ से टू का ऑपोजिट, क्लियर है, टू का ऑपोजिट मिल गया। अब यहाँ से तो मिल जाएगा फाइव क्योंकि इसमें टू का ऑपोजिट पूछा था, अगर फोर का पूछा होता तो कितना मिलता, क्या क्या बच गया, वन नहीं है ना यहाँ पे, तो वन, फोर का ऑपोजिट क्या मिल जाता हमें, वन मिल जाता, थ्री का ऑपोजिट क्या मिल जाता हमें, सिक्स मिल जाता, इन दोनों डाइस के अकॉर्डिंगली हमने ये बता दिया। ओके, अब अगर मैं कंसिडर करूं, अब मैं अगर कंसिडर कर लूं, फाइव हमें पता चल गया है। ओके, अब मैं अगर कंसिडर करूं ये दो डाइस को, तो इसमें थ्री कॉमन है, टू भी कॉमन है, थ्री और टू कॉमन है, थ्री और टू कॉमन है, तो बच्चा वाला क्या है, फोर का ऑपोजिट क्या होगा मेरे अकॉर्डिंगली, फिर वन होगा। ओके, फोर का ऑपोजिट वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिर्फ क्या मिला, फोर का ऑपोजिट वन मिला, लेकिन हमें किसका चाहिए था, हमें आंसर देना किसका था, टू का था, तो हमें इस वाले से इन दोनों को सेलेक्ट करके कोई भी आंसर मिलने वाला नहीं था, ठीक है। तो हमें उन दोनों को सिलेक्ट करके आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड वाले को सिलेक्ट करके देखते हैं।
हमें आंसर मिल चुका है थर्ड वाले को एंड फोर्थ वाले को सिलेक्ट करके कि टू का ऑपोजिट हमको क्या मिल गया, फाइव मिल चुका है. दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि हम उसे कर पाए. ठीक, तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड सेलेक्ट करूं तो इसमें कॉमन क्या है, थ्री इज कॉमन. ठीक है, तो थ्री से रोटेशन स्टार्ट कर दो, थ्री वन टू, और इधर थ्री फोर एंड फाइव, तो कुछ जो बच गया वो ये हो गया. ठीक है, तो वन का ऑपोजिट फोर मिला ही था, टू का ऑपोजिट फाइव मिला ही था, तो भी हमको मिल गया फाइव. आप किसी भी दो डाइस को सेलेक्ट कर लो, हमें मिल ही जाएगा. गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी. ज़रूर बताएं कि आपको रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट में से कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए. जितने जल्दी होगा मैं उसे भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी. गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ आपको मिलते रहें. थैंक यू.